आए आए आए। सुबह सुबह मेरे घर पे आ गए हैं मेहमान और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मैं इन लोगों को वीडियो करना चाहती हूँ, फोटो निकालना चाहती हूँ, लेकिन ये लोग बहुत जल्दी भाग जाते, बहुत डरते। लेकिन आज मैं विंडो के सामने बैठी हूँ, मैं जैसे उसको देखा विंडो में आके खाना खा रहे, मैं बैठ गई और धीरे धीरे उससे बातें करने लगी, आवाज़ करने लगी कि उसको थोड़ा डर निकल जाए। तो मैं एकदम बैठ के आराम से बात कर रही हूँ, कभी वो डर के जा रहा है लेकिन फिर से वापस आ रहा है, मुझे बहुत खुशी मिल रहा है देख के। अभी सुबह 7:30 बज रहे और मैं नींद से उठी हूँ 7 बजे। नींद से उठी हूँ, नहाई हूँ, नहाने के बाद डेली रूटीन का मेरा घर का जो सुबह का काम होता है मैं काम कर रही थी। सबसे पहले मैं गुनगुना सा गर्म पानी पी लिया और विंडो तो मैं सुबह और नींद से उठ के खोल देती हूँ, तो चिड़िया तभी नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे मैं इधर उधर काम कर रही थी तभी ऐसे मेरी नज़र पड़ा विंडो में, देखा अरे ये तो विंडो में आके खाना खा रहे, क्योंकि मैं इसमें दाना डालती हूँ और मैं जब भी पर्दा लगा के रखती हूँ तभी ये लोग आते ही रहते हैं। तो आज मैं मुझे याद नहीं था कि विंडो में खाना रखा है और रूम के अंदर कितना अंधेरा है क्योंकि अभी है बादल छाया हुआ, इसलिए तो मेरा काम हो गया घर का सुबह का और मैं सीधा आ गई किचन चाय बनाने के लिए। नमस्ते सुप्रभात, अभी सुबह 8:30 बज रहा है और अभी तो बारिश हो रहा है हल्का हल्का, लेकिन बादल के लिए पूरा घर अंधेरा है। किचन में लाइट ऑन करके रखी हूँ इसलिए थोड़ा सा घर में लाइट दिख रहा है, किचन का लाइट ऑफ कर दूंगी तो पूरा अंधेरा हो जाएगा घर। सुबह का डेली रूटीन का जो मेरा काम होता है कंप्लीट सब काम हो गया है और मैं सीधा आ गई किचन में चाय नाश्ता करने के लिए। चाय मैंने बिठा दिया है। बारिश तो मुझे बहुत पसंद है लेकिन बहुत लोगों को तकलीफ है। आज का व्लॉग मैं यहीं से शुरू करती हूँ, आप लोग मेरे साथ रहिए पूरा लास्ट तक, देखिए वीडियो, आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे लगे। चलिए चाय मेरा बन गया है, गैस ऑफ कर दिया, उसके बाद मैं गुड़ डाल रही, गुड़ पहले डालूंगी तो फिर चाय कट जाएगा। और चाय के साथ आज मैंने लिया है पूरी और ये एक पैकेट बिस्किट। अभी मैं दूसरे जगह पे बैठी हूँ चाय पीने के लिए क्योंकि चिड़िया आता है विंडो में, तो मैं थोड़ा नज़दीक बैठूंगी और इसका डर कट जाएगा, इसलिए जैसे मेरा चाय नाश्ता हो गया मैं बैठी थी तभी फिर से आया और मैं उसको धीरे धीरे दोस्ती कर रही हूँ कि उसका डर थोड़ा निकल जाए और अच्छा से ये खा पाए, क्योंकि ये लोग डरते हैं और खाना छोड़ के भाग जाते हैं इसलिए। इसके बाद मैं थोड़ी सी बाहर का नज़र देख लेती हूँ और सीधा चली जाती हूँ किचन, क्योंकि कल मैं पूरा दिन खाना नहीं बनाया था और आज मुझे दोपहर का खाना जल्दी बनाना पड़ेगा, और इसलिए मैं पूरा सब्जी इकट्ठा कर लिया, इसको काट के साफ करके रेडी करने के बाद ही मैं किचन में आ जाती हूँ कुकिंग करने के लिए। मेरा खाना डेली सिंपल ही होता है और अभी तो चल रहा है सावन, सावन का मतलब 2 महीना मेरा वेज खाना रहेगा। तो मैं एक साइड चावल बिठा दिया और दूसरे साइड में मैं परवल फ्राई कर लेती हूँ, ये फ्राई हो जाएगा और उसके बाद मैं सब्जी बिठा दूँगी और तैयार हो जाएगा मेरा दोपहर का खाना। और ये पालक का सब्जी बनेगा, इसमें मैं आलू, बैंगन, पपैया ये सब मिक्स करूँगी, इसमें साथ में हरी मिर्ची डालूँगी, थोड़ी सी टमाटर डालूंगी और अदरक पेस्ट करके फिर डालूंगी, और ये परवल फ्राई। बार बार मैं बोलती रहती हूँ कि बारिश मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन कल जब मैं बाहर निकली तभी मैं देखा कि जो रास्ते से मैं चलती फिरती रहती हूँ डॉग बिल्ली को देखती हूँ, हाय हेलो करती हूँ, कभी खाना डाल देती हूँ, बिस्किट डाल देती हूँ, बहुत लोग ये लोग को प्यार करते हैं, खाना देते रहते। और कल मेरी नज़र में आया कि ये लोग बारिश में भीग रहा था, उनको जगह नहीं मिल रहा था, खाना भी ढूंढ रहा था, भूखा था, मेरे तरफ ऐसा देख रहा था कि मैं उनको कुछ करूं, उनके लिए कोई जगह दे दूं कि बारिश ना लगे, तब मुझे बहुत बुरा लगा और तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बारिश मुझे अच्छा लगता है लेकिन बाकी बहुत चीज़ के लिए तकलीफ है, हर मौसम कुछ ना कुछ एक तकलीफ, लेकिन इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और बातें करते करते मेरा खाना बन गया है और लास्ट में पापड़ फ्राई कर लेती हूँ, खाना लेके बैठ जाती हूँ और आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। कल फिर हाजिर हो जाऊँगी एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, टाटा। आज दोपहर खाने में राइस, पापड़ फ्राई, परवल फ्राई और ये पालक की सब्जी, ये आज दोपहर का खाना है मेरा। और अब मैं बैठ जाती जल्दी खाना खाने के लिए और अभी टाइम हो रहा है 2:30।